तो आज की इस नई वीडियो में आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण एवं काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में आपके साथ रीसेंट की ही एक खास खबर साझा करेंगे। दरअसल खबर में आप देखिए, कल की बैठक में नहीं मिली शिक्षा मित्र मानदेय की मंजूरी, यानी कि मानदेय वृद्धि की मंजूरी। आखिर कौन सी बैठक थी? बैठक के बारे में फिलहाल आपको भी पता है, सभी साथियों को पता है, लेकिन हाल ही के अंदर आधिकारिक रूप से कुछ बयान आए हैं, हाल ही के अंदर आधिकारिक रूप से कुछ खुलासे भी हुए हैं, उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो सभी साथी वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। अब अपडेट आपकी स्क्रीन पर है। दरअसल आप सभी को पता है कि कल विधान परिषद में बैठक थी, जहां पर बैठक के बाद निर्णय क्या हुए, आपके स्थायीकरण को लेकर कौन कौन से प्रस्ताव रखे गए, फिलहाल इस प्रकार के डाउट्स आपके मन में हैं। हालांकि कुछ साथियों का कहना यह भी है कि कल कोई मीटिंग हुई ही नहीं है। तो साथियों, आप सभी के समक्ष लाइव रूप के साथ मैं उपस्थित हूं। यहां पर आप देखें, पवन सिंह चौहान जी के द्वारा बताया गया कि विधान परिषद सदस्य में उत्तर प्रदेश की बैठक में माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के विभागीय अधिकारियों से वार्ताएं हुई। कौन कौन इस वार्ता के क्रम में उपस्थित था आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये तस्वीरें भी इनके द्वारा साझा की गई मीटिंग हॉल की। दरअसल साथियों, बैठक में ऐसा नहीं होना था कि शिक्षा मित्रों के मानदेय का प्रस्ताव रखा जाएगा और वो प्रस्ताव पारित होगा। केवल मांगों का एक प्रस्ताव बनाकर सौंपना था शासन को, शासन उसके ऊपर विचार विमर्श करेगा, उसके पश्चात में किसी भी प्रकार का निर्णय शासन के द्वारा लिया जाएगा। फिलहाल के लिए ये ज्ञापन पत्र अभी तक, यानी कि ये मांग पत्र प्रस्ताव के रूप में भेजा गया है 10 सदस्यों के द्वारा। अब इसके ऊपर शासन का क्या निर्णय आता है, ये देखने वाली बात होगी। तो आप सभी साथियों से एक ही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।